सर्व पितृकार्य अमावस्या है और इस निमित्त आप चौखट पर ये चीज़ रख देंगे तो आपके पितृ जाते जाते आपको आशीर्वाद देंगे, आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी, तरक्की होगी, बरकत होगी, जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तो खास होती है पितर के लिए, तो पितर को मनाने का ये रास्ता आपको बता रही हूँ। आगे आपका मर्जी है कि आप इसको माने ना माने, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत लोग मानते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो हमारा दायित्व है, बनता है, हम आपको सही और सटीक जानकारी हमारे YouTube चैनल डॉक्टर उमा श्री के माध्यम से दें। आज इसी क्रम में आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं चौखट पे क्या रखना है। मित्रों, चौखट का बहुत महत्व है ये तो आप जानते हैं, लेकिन चौखट के ऊपर रखें या घर के बाहर मुख्य द्वार पे रखें। भोज्य सामग्री के रूप में आपको इमरती अवश्य रखनी है और दही की कोई चीज़ रखनी है, सफ़ेद बर्फ़ी रखनी है, जो भी आपके पितरों को पसंद है वो पदार्थ खाद्य सामग्री के रूप में रखें। लेकिन काले उड़द नहीं रखे जाते, अगर आपके पितरों को काले उड़द पसंद थे तो वो उड़द आपको नहीं रखने चाहिए, मेरी आपसे गुजारिश है, या आगे आपकी मर्जी है। श्राद्ध पक्ष में वैसे भी उड़द का सेवन नहीं किया जाता है, तो आप दही रख सकते हैं, कचौरी दही पितरों को बहुत पसंद होती है, कचौरी दही रखें, मीठा दही रखें, सफ़ेद बर्फ़ी रखें और कंगन, जिसको इमरती भी बोला जाता है, उससे पितरों को बहुत मात्रा में खुशी मिलती है। और तोरई की सब्जी श्राद्ध पक्ष में बनाएं, मतलब आज के दिन तोरई की सब्जी बनाएं और वो पितरों के निमित्त आप निकालें। आलू की सब्जी भी आप बना सकते हैं, रस्से वाली, वो भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा पूड़ी का बहुत महत्व है, पूड़ी अवश्य बनानी चाहिए श्राद्ध पक्ष में, तो पूड़ी आज के दिन अवश्य बनाएं और पितरों के निमित्त जो थाली निकालते हैं उसमें पूड़ी अवश्य रखें। और आप आलू की सब्जी रख सकते हैं, बूंदी का रायता रख सकते हैं, इमरती रख सकते हैं मिष्ठान के रूप में, सफ़ेद बर्फ़ी बिना वर्क की रख सकते हैं। ये पदार्थ मुख्य द्वार पे भी रखें जिससे जाते जाते पितृगण तृप्त होके जाएं, भूखे ना जाएं, और जल का पात्र तो आपको रखना ही चाहिए, तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलेगा। ये काम करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, 25 साल से परामर्श दे रहे हैं ज्योतिष शास्त्र पर, वास्तु शास्त्र पर, और पाम रीडिंग कर रहे हैं, अंक ज्योतिष पर परामर्श दे रहे हैं। इनसे संबंधित सेवाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप सलाह ले सकते हैं। अभी नवरात्रि ऑफ़र कल से चालू हो जाएंगे, 3 से 12 तारीख तक नवरात्रि ऑफ़र का आपको लाभ दिया जाएगा, तो तुरंत संपर्क करें, हम 100 लोगों को ही परामर्श देंगे, तो भीड़ से बचने के लिए तुरंत राशि जमा कराएं। और 1500 राशि हमने रखी है इसकी। आप तीनों से संबंधित सेवाएं लेना चाहते हैं, यानी वास्तुशास्त्र से संबंधित सेवाएं लेना चाहते हैं, पाम रीडिंग से संबंधित सेवाएं लेना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित सेवा लेना चाहते हैं, तो तिगुनी राशि आपको जमा करानी पड़ेगी, यानी 4500 आपको जमा कराना पड़ेगा। तीनों का अलग अलग ईच 1500 ईच है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों का 1500 नहीं है, ईच सर्विस 1500 की है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। पति पत्नी संबंधी मैटर है तो दोनों की ही आपको परामर्श लेना पड़ेगा, क्योंकि पति पत्नी का संबंध है, तलाक का मामला है, या शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी है, तो उससे संबंधित परामर्श लेने के लिए दोनों के ही अमाउंट आपको जमा कराने पड़ेंगे, अर्थात 1500 + 1500 = 3000। तो ये राशि आपको जमा करानी पड़ेगी, हमने पूरा पैटर्न आपको बता दिया, तुरंत संपर्क करें, हमारे 25 साल का अनुभव आपको लाभान्वित कर सकता है, आपके जीवन के उलझे हुए झगड़े सुलझा सकता है और आपको कामयाब बना सकता है। अगर आप नौकरी में दिक्कत आ रही है, फैमिली लाइफ में दिक्कत आ रही है, हर तरह के सॉल्यूशन हम अपने ज्ञान के माध्यम से बताते हैं। और नवरात्रि इसलिए चुने हमने कि नवरात्रों में हमको माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और विशेष कृपा का लाभ आपको मिल सकता है, तो आपको अवश्य ही संपर्क करना चाहिए। नवरात्रों में जो परामर्श हम देते हैं माता रानी के असीम कृपा से, वो बहुत जल्दी फलीभूत होती है और आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होती है। तो जय माता दी, जयकारा ए शेरा वाली माता का, ये बोलते हुए आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। ओम पितृ देवाय नमः, अवश्य ही कमेंट सेक्शन में लिखें, पितरानी मैया की जय लिखें। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री,
हमारा YouTube चैनल डॉक्टर उमाश्री के नाम से है, इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरह की बातों में आपकी रुचि है, जिस तरह की बातें हम आपसे करते हैं। थैंक यू सो मच।